छात्रों, हमने इसके पहले देखा कि कलश अपने आप चमकेगा इस कविता का स्पष्टीकरण। आज हम उसी कविता का व्याकरण भाग देखने वाले हैं, पन्ना क्रमांक 13 पर, जो व्याकरण का विभाग है बात भाषा की, इसको आज हम देखने वाले हैं। देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद यानी शब्दों के वर्णों को अलग अलग लिखना, यानी वर्ण विच्छेद। यहाँ पहला प्रश्न है प्रस्तर, प्रस्तर का वर्ण विच्छेद करके दिया है, हमें इसको देखना है। प्रस्तर शब्द है प, उसके नीचे हलंत लगाया है, उसके बाद जोड़ र, र को हलंत लगाया है, उसके बाद जोड़ अ, जोड़ स, हलंत लगाया है, जोड़ त, हलंत लगाया, जोड़ अ, जोड़ र, हलंत लगाया, और उसके बाद जोड़ अ। देखो, जहां जहां हलंत लगाया है इसे हलंत चिन्ह कहते हैं। इस प के नीचे जो चिन्ह लगाया है उसको हलंत चिन्ह कहते हैं। इसके कारण वो जो वर्ण है वो आधा बन जाता है। देखो, प्रस्तर शब्द को अलग अलग वर्णों में बांटा गया है, इसमें से हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना है। देखो, प, उसके बाद जोड़ र, उसके बाद जोड़ अ, तो यह बना प्र, उसके बाद जोड़ स, जोड़ त, जोड़ अ, ये बना स्त, और र और अ, इससे वो शब्द पूरा बनता है प्रस्तर। दूसरा शब्द हम देखेंगे खुशियां। खुशियां शब्द, इसका वर्ण विच्छेद करते समय हम इस तरह से करेंगे ख, पहला वर्ण कौन सा है ख, उसमें कौन सा स्वर छिपा हुआ है, उ का स्वर छिपा हुआ है। देखो, पहली उ की मात्रा यहाँ लगी है, इसलिए उ का स्वर यहाँ पर हमने लिखा। इस स्वर को हमने हलंत लगाया, यह आधा हो गया अभी, मतलब इसमें से हमने स्वर निकाला। उसके बाद है श, श यह व्यंजन है, इसको हलंत लगाया, इसमें से स्वर हमने निकाला, तो स्वर है ई, पहली ई का स्वर है इसमें, इसलिए यहाँ पर ई लिखा। और उसके बाद है या, उसके बाद क्या है या, तो यह व्यंजन लिखा, और उसके बाद आ लिखकर उसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो यहाँ पर ये शब्द बन गया खुशियां। उसके बाद शब्द है निर्माण, तो इसका पहला वर्ण कौन सा है न, न वर्ण है, उसको हलंत लगाया, उसका स्वर अलग किया, ई का स्वर है इसमें, उसके बाद जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, निर्माण शब्द है, तो यहाँ पर माँ के ऊपर जो रेफ लगा है उसके ऊपर का रेफ, यानी उसमें र का उच्चार है, उसमें कौन सा उच्चार है, र का उच्चार है, तो निर्माण उच्चारण करते समय र का उच्चार पहला होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा र, उसको हलंत लगाया, उसके बाद लिखा म, म को भी हलंत लगाया, और उसके बाद आ, अभी यह बना निर्मा, शब्द बना है निर्मा। और जो बचा है वर्ण वो है न, न को भी हलंत लगाया, और अ, अभी यह शब्द बना है निर्माण। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है, वर्ण विच्छेद कीजिए, यह पहला प्रश्न हमारा पूरा होता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, जो उस शब्द का समान अर्थ बताते हैं उसको ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है प्रस्तर का पत्थर। हमने कविता में देखा है कि प्रस्तर को पत्थर कहते हैं, और एक शब्द है पत्थर को पाषाण। प्रस्तर के लिए दो शब्द हैं, पत्थर और पाषाण। दूसरा शब्द है भार।
के लिए दो शब्द हैं, मस्तक और ललाट। तीसरा शब्द है धूप। देखो भू के लिए दो शब्द है, भूमि और धरा, या धरती का तो भी चलेगा। यहाँ पर दो प्रश्न पूरे होते हैं। तीसरे प्रश्न में नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों और द्विपद व्यंजनों से बने तीन तीन शब्द लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, संयुक्त अक्षर और द्विपद व्यंजनों से बने तीन तीन शब्द हमें लिखने हैं। यहाँ पर ये है तो पूरा होता है।
इसका चौथा प्रश्न हम देखेंगे जो है नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बताइए। अब लिंग दो लिंग के दो भेद हैं, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे दो भेद हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको पुल्लिंग कहते हैं और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द भी है और स्त्रीलिंग शब्द भी है, हमको पहचान कर लिखना है कि वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। पहला है नींव, इमारत की नींव बड़ी अच्छी है। देखो इस इमारत की नींव बहुत अच्छी है, तो अच्छी नींव के लिए अच्छी का प्रयोग हुआ है इसलिए यह क्या होगा स्त्रीलिंग शब्द होगा। नींव यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसको वाक्य में डालने से हमें पता चलता है कि यह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हर एक शब्द को वाक्य में डालने से आपको पता चलेगा, उसकी क्रिया के ऊपर ध्यान दो, उसके विशेषण के ऊपर ध्यान दो, तभी आपको पता चलेगा यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। भार, हमारा भार ऊंचा करना है, तो ऊंचा करना है यहाँ पर क्या है ऊंचा करना है, ऐसे है क्या ऊंची करना है, हमारा भार ऊंची करना है नहीं, यहाँ पर वाक्य बना है हमारा भार ऊंचा बनाना है, तो यहाँ भार यह शब्द पुल्लिंग है। ग देखो मित्र, मेरा मित्र सबसे अच्छा है, तो यहाँ अच्छा का प्रयोग हुआ है तो यह है पुल्लिंग। जानवी, सिमटी जटाओ में, जानवी ये तो किसी लड़की का भी नाम हो सकता है और ये नदी होने के कारण यह स्त्रीलिंग में जाती है, सभी नदियों के नाम यह स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद है भगीरथ, भगीरथ यह एक राजा का नाम था और यकीनन यह क्या हो सकता है पुल्लिंग। खेत, मेरा खेत बहुत बड़ा है, मेरा खेत बहुत बड़ी है ऐसा है क्या नहीं, मेरा खेत बहुत बड़ा है, तो बड़ा यह शब्द पुल्लिंग शब्द बताता है, तो खेत यह पुल्लिंग शब्द है। साधना, उसने बहुत बड़ी साधना की, बड़ी साधना कैसे की बड़ी साधना की, तो यहां पर साधना शब्द स्त्रीलिंग आता है। और कलश, कलश अपने आप चमकेगा, कलश के लिए चमकेगा का प्रयोग हुआ है, क्रिया है चमकेगा, तो चमकेगी नहीं है चमकेगा, इसलिए कलश शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाता है। देखो नीव स्त्रीलिंग, भार पुल्लिंग, मित्र पुल्लिंग, जानवी स्त्रीलिंग, भगीरथ पुल्लिंग, खेत पुल्लिंग, साधना स्त्रीलिंग, कलश पुल्लिंग। यहाँ चौथा प्रश्न समाप्त होता है। पांचवा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखो यहाँ पर क क का प्रश्न है मानव जोड़ इय, यहाँ पर मानव यह मूल शब्द है और इसको इय यह प्रत्यय लगाया है, तो मानव इसका अर्थ अलग और प्रत्यय लगने के बाद इसका अर्थ बदल जाता है। देखो किस तरह से मानव का बनेगा मानवीय, इस ई को ये जो ई है दूसरी ई है यहाँ पर और वो को लगाने से दूसरे यहाँ पर दूसरी ई की मात्रा यहाँ लगेगी तो शब्द बनता है मानवीय, ई चला जाएगा, ई की मात्रा किसको लगेगी वो को लगेगी और शब्द बनेगा मानवीय। उसके बाद चमक प्लस चमक जोड़ इला, क्या है चमक जोड़ इला, तो यहाँ पर तो और यहाँ इ
ई है, तो इसमें से स्वर, ये जो स्वर है वो इसको लगेगा, क को लगेगा, तो यह शब्द बनेगा चमकीला। क को दूसरी की मात्रा लगी है, शब्द पूरा बनता है चमकीला। तीसरा है ग, ग मित्र जोड़ता, सीधा शब्द बनता है मित्रता। आगे भी वैसे ही खे जोड़ ई, खेती। उसके बाद है गरम जोड़ ई, क्या बनेगा शब्द गर्मी। स्त्रीत्व शब्द बनता है, स्त्री अलग है और उसे प्रत्यय लगने से शब्द बनता है स्त्रीत्व। तो यह प्रत्यय लगता है, शब्द बनता है स्त्रीत्व। उसके बाद धर्म जोड़ ई, यहां पहली ई की मात्रा लगेगी, इस म को पहली ई की मात्रा लगेगी। यहां पर धर्म, धर्म जोड़ ई, तो शब्द बनता है धार्मिक, शब्द बनता है धार्मिक। यहां पर आप कहेंगे कि धार्मिक, धार्मिक कहीं सुना है क्या आपने? नहीं। सामाजिक नियमों के कारण यह शब्द बनता है धार्मिक। इसके बाद गायक जोड़ इका, यहां पर भी ई को, यहां पहली ई है इसलिए क को पहली, य को पहली ई की मात्रा लगेगी, तो शब्द बनेगा गायिका, शब्द बनेगा गायिका। इका का वैसा ही रहता है, का क को आ की मात्रा लगती है और ये शब्द बनता है गायिका। यहां पर पांचवा प्रश्न समाप्त होता है। छठा प्रश्न है, कविता से जुड़कर जातिवाचक एवं अनावश्यक संज्ञा बनाइए, शब्द लिखिए। देखो, कविता से जुड़कर जातिवाचक एवं अनावश्यक संज्ञा शब्द लिखिए। कविता में हमें जुड़कर अभी लिखना है। देखो, यहां पर जातिवाचक यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसके संबोध जाति का बोध करने वाले शब्द यानी जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के तीन भेद आपने सीखे हैं इसके पहले, इसके पूर्व के कक्षा में आपने सीखे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमें अभी इस कविता के द्वारा कुछ शब्दों को ढूंढना है, जातिवाचक शब्दों को ढूंढना है और भाववाचक शब्दों को ढूंढना है। तो हम उन शब्दों को ढूंढते हैं। जातिवाचक यानी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द, और भाववाचक यानी किसी का भाव, मन के भाव जो महसूस, सिर्फ महसूस होते हैं, उसे आप छू नहीं सकते, ऐसे शब्द हमें ढूंढने हैं। तो ऐसे शब्द हैं, पहले जातिवाचक शब्द देखते हैं। यह शब्द है मित्र, प्रस्तर, मानव, खेत, खलिहान, कलश, भार। देखो, यह जातिवाचक शब्द है, मित्र, प्रस्तर, मानव, खेत, खलिहान, कलश और भार। अब हम देखते हैं भाववाचक शब्द, तो इसमें भाववाचक शब्द है अस्तित्व, अस्तित्व। दूसरा है पीर, पीर का अर्थ हमने देखा था, पीर का अर्थ हमने देखा था पीड़ा, कष्ट। विस्मृति, उसके बाद है हिम्मत। देखो, ये शब्द इसको हम छू नहीं सकते,
पर महसूस कर सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये शब्द है अस्तित्व, पी, विस्मृति और हिम्मत। अब इस वीडियो को देखकर आप आपका पाठ्यपुस्तक पूरा कर सकते हैं।